दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ा सवाल एंड सबसे इम्पोर्टेंट एंड कॉमन सवाल कनाडा वर्क वीज़ा के ऊपर। जी ये जरूर आपके मन में भी ये सवाल होगा, कनाडा वर्क वीज़ा का कितना प्राइस लगता है, हमको कितना प्राइस पेमेंट करना पड़ता है कनाडा वर्क वीज़ा के लिए। दोस्तों इसके लिए अगर पूरा जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं बादल आपको स्वागत करता हूँ कनिष्क एचआरडी चैनल पर। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कंसल्टेंट ऑफिस में जाएंगे, हम कुछ पैसा पे कर लेंगे, हमें इमीडिएटली वर्क वीज़ा, हमको कनाडा का वर्क वीज़ा मिल जाएगा। ये गलत फहमी बहुत लोगों के मन में है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कनाडा का वर्क वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं। हाँ जी ये सच है, कनाडा का वर्क परमिट मिलना वर्क परमिट वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए खैर ये अलग बात है। तो चलिए हम पहले जानते हैं वर्क वीज़ा आखिर कैसे इशू किया जाता है या वर्क वीज़ा बनता कैसे। दोस्तों एक अगर कनाडा का एम्प्लॉयर अगर उसको टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर चाहिए तो वो पहले क्या करता है, उस बंदे का पहले प्रॉपर इंटरव्यूज लेता है। इंटरव्यू लेने के बाद उसको अगर लगता है कि ये बंदा हमारे कंपनी में फिट होगा या उसी पोजीशन के लिए फिट है या परफेक्ट है तो उससे पहले क्या करता है, वो उस बंदे को पहले जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है या इसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर ही बोलते हैं। जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर उसको प्रोवाइड किया जाता है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर प्रोवाइड करने के बाद उस एम्प्लॉयर ने पहले उस पोजीशन सर्टन पोजीशन के लिए LMI इशू करता है जो कि 2 से 3 महीना लगता है। आप अगर LMI आपको अभी तक पता नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो LMI होता क्या है। तो LMI आने के बाद वो क्या करता है, आपके नाम पे या सर्टन एम्प्लॉय के नाम पे वो क्या करता है, वर्क परमिट वो इशू करता है। वर्क परमिट इशू करने के बाद आपको एम्बेसी में जाना पड़ता है, आप जिस कंट्री में हो, जिस कंट्री में रहते हो, शायद इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से नेपाल से हो, सर्टन आपकी कंट्री में जो एम्बेसी है कैनेडा एम्बेसी, आप एम्बेसी में जाते हो। एम्बेसी में जाने के बाद आप कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने के बाद आप वर्क वीज़ा के लिए, यस वर्क वीज़ा या काफ़ी लोग उसको वर्क परमिट वीज़ा भी बोलते हैं, वर्क परमिट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हो। तभी जाकर कुछ इसके लिए कुछ 10 to 12 days या मतलब 20-25 दिन भी लग सकता है वर्क वीज़ा के लिए। आप जब अप्लाई करते हो इसके लिए सर्टन टाइम लगता है, तो उसके बाद आपके नाम पर वर्क वीज़ा इशू होता है, तभी जाके आप कनाडा फ्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अभी जानते हैं उसका कनाडा वर्क परमिट वीज़ा या वर्क वीज़ा का प्राइस कितना है। प्राइस देखिए दो कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कंपनी से अगर इंटरव्यू देके कंपनी के थ्रू इंटरव्यू देके आप कंपनी से डायरेक्ट कंपनी को जाते हो उसका कितना पैसा लगता है। आप अगर किसी एजेंट या कंसल्टेंट ऑफिस के थ्रू जाते हो इसका कितना पैसा लगता है। दोस्तों पहले बात करेंगे कंसल्टेंट ऑफिस के थ्रू अगर जाना चाहते हो तो उसके लिए कितना पैसा आपको सबसे कम कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। दोस्तों काफ़ी सारा भाई हैं मुझको पूछते हैं, मेरे को LMI चेक करने के लिए भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। मैं जब उसको पूछता हूँ आपको कितना चार्ज हो, ऑफिस ने बोला है, वो बोला है 50,000 बोला है बाप जब कनाडा में जाकर वहाँ पे डिडक्ट करेगा सैलरी से। मैं पहली बात यही से बोलना चाहता हूँ, अभी से बोलना चाहता हूँ, आप सतर्क हो जाइए, ऐसे नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है, 100% ये गलत है, ये आपके साथ स्पैम होने वाला है। दूसरी बात अगर कोई बोलता है आपको कनाडा वीज़ा 50,000 1,00,000 में आपको कनाडा वर्क परमिट या वर्क वीज़ा आपको दे देगा, टेम्प्रेरी वर्क परमिट या कुछ भी दे देगा आपको, ये आप दिमाग से हटा दे दोस्तों, ये से नहीं होता है एंड ये 100% ये काम कर रहा है आपके साथ दोस्तों। इससे इतना कम पैसा में कनाडा वर्क वीज़ा आपको मिलता नहीं अगर आप कंसल्टेंट थ्रू जाना चाहते हो दोस्तों। दूसरी बात आता है एक्चुअली इसके कंसल्टेंट का प्राइस कितना है। दोस्तों एग्जैक्टली कनाडा वर्क वीज़ा का कोई सर्टन अमाउंट का प्राइस फिक्स नहीं है, बट मैं जितना मेरा जितना एक्सपीरियंस है 5-7 साल का जो काम कर रहा हूँ, मेरा जितना एक्सपीरियंस है तो कनाडा एक वर्क परमिट वीज़ा के लिए कम से कम आपको इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ 10 लाख, कम से कम 10 लाख से स्टार्ट होता है उसका जो प्राइस। हाँ दोस्तों कनाडा के अंदर जो बंदे वहाँ पे काम करते हैं PR में, ओपन वर्क परमिट होते हैं PR में होते हैं, उनको अगर कोई अगर काम देता है वर्क पर जॉब देता है तो उस वहाँ पे चार्ज किया जाता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख वहाँ पे चार्ज किया जाता है। तो सोचो इंडिया से अगर ये पाकिस्तान से आप नेपाल से जाते हो तो आपसे कितना चार्ज किया जाएगा। मैं आपको एक एक्चुअल प्राइस इसका कोई फिक्स नहीं है, मैं एक सर्टन प्राइस बताता हूँ जो कम से कम आपसे 10 लाख बजट लेके 10 लाख से नीचे नहीं है इसका प्राइस, एक वर्क वीज़ा का प्राइस। एंड नेक्स्ट थिंग अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप क्योंकि आपको बोल रहा है मैं 50,000 में आपको कनाडा में जॉब दे दूंगा, आपको वर्क वीज़ा वर्क परमिट दे दूंगा,
तो दोस्तों दिमाग से हटा दे, आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो इतना सारा पैसा तो कनाडा के लिए मतलब आप ड्रीम मत देखो, आप दूसरे कंट्रीज देखो, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज देखो, रोमानिया है, पोलैंड से, गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्री, आप उसके लिए ट्राई करो दोस्तों। मैं बोलूँगा इस बात पर अगर हाँ जा सकते हो, बट इतने कम पैसे में आपको कोई ना देगा, ये ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो आप जानते हैं आप डायरेक्ट कंपनी के थ्रू जाते हो तो आपको कितना पैसा पेमेंट करना पड़ता है, कितना पैसा आपको देना पड़ता है दोस्तों। डायरेक्ट कंपनी के थ्रू जाना, पहले तो मैं बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है, मतलब क्या बोलूँ, बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है एक डायरेक्ट कंपनी के थ्रू हायर होना कनाडा में। दूसरी बात, अगर उसका एक्चुअल फीस देखा जाए दोस्तों, वर्क परमिट वीज़ा या वर्क वीज़ा का आपको जब एम्बेसी में पेमेंट करना पड़ता है, तो अभी का जो अपडेट है आपको वर्क वीज़ा के लिए आपको $155 आपको एम्बेसी में पे करना पड़ता है, एंड आपको बायोमेट्रिक के लिए, यस बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको $85 आपको एम्बेसी में पे करना पड़ता है दोस्तों। अगर कोई सर्टन आपको जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर आपको बोलता है कनाडा से, जो आपको डायरेक्ट हायर करता है कि आप मुझे इतना पैसा दे दो आपको वर्क परमिट पे लगाऊंगा, वो सर ये 100% आपको साथ काम है, जो एम्प्लॉयर जो है डायरेक्ट आपको ले रहा है वो कोई चार्ज नहीं लेता है, फिलहाल वो LMI वगैरह का वो उधर पे करता है ESDC डिपार्टमेंट पे, लेकिन आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है, हाँ लेकिन आपको वर्क वीज़ा जब अप्लाई करने जाओगे एम्बेसी कनाडा एम्बेसी, आपको ये सर्टन अमाउंट आपको ही पे करना पड़ेगा, जो कि वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन से आप जब फिल करके देते हो वर्क वीज़ा के लिए तो $155 देते हो, एंड बायोमेट्रिक के लिए $85 आप देते हो। तो ये था जो एक्चुअली आप जो जानना चाहते हैं एग्जैक्टली प्राइस होता क्या है वर्क वीज़ा का, जो मैं डिस्कशन किया आपके साथ, तो आपको तो आपका राय क्या है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताइए। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और शेयर बटन और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले ऐसे ही देख सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।